हेलो फ्रेंड्स। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ICICI बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि इसके बाद आपको ICICI बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न्ड की बात करूँ तो 0.3% का ग्रोथ हमको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला है। मतलब पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, जो कि अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर था, तो उसके मुताबिक यहाँ पे 0.3% का ग्रोथ है। मतलब फ्लैट परफॉर्मेंस यहाँ पर हमको देखने को मिला है। और ये अगर मैं पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर कंपेयर करूं तो हमको यहाँ पे 2.5% का ग्रोथ कंपनी के इंटरेस्ट अर्न में देखने को मिला है। अब इसका मतलब यही है कि जो कंपनी की लोन बुक है उसमें हमको 2.5% का ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि इंटरेस्ट अर्न नेट इंटरेस्ट इनकम नहीं होता है। इंटरेस्ट अर्न यानी जो बैंक ने लोन दे रखे हैं उसके ऊपर बैंक ने कितना इंटरेस्ट कमाया है। इसके बाद हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट जो बैंक देता है अपने डिपॉजिटर्स को, फिर निकल कर आता है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो उसके बाद अगर टोटल नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 11% प्रॉफिट यहां पे बैंक का गिरा है अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो। और जो टोटल प्रॉफिट यहां पे बैंक का आया है वो है 4,886.16 करोड़ का। तो देखिए, पिछले साल मतलब पिछले क्वार्टर के मुताबिक आपको ऐसा लग रहा होगा प्रॉफिट गिरा है, लेकिन अगर हम प्रोविजन देखेंगे तो उसमें हमको 8% का यहाँ पे प्रोविजनिंग बैंक ने बढ़ाया है। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको थोड़े से जो बैंक के जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है, क्योंकि बैंक को पता है अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो हाई प्रोविजनिंग अभी कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर मैं ईयरली बेसिस पर बात करूं, मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 260% की प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर बैंक की बढ़ी है। देखिए, आपको यहां पे 290% दिख रहा होगा, लेकिन बाय मिस्टेक ये मैंने गलती से लिखा है। तो 260% यानी कि अगर पिछले साल बैंक ने 100 रुपये कमाए थे तो इस बार 360 रुपये बैंक ने प्रॉफिट में कमाए हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल मतलब जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में बैंक का प्रॉफिट 1251 करोड़ था, क्योंकि अब हो गया है 4,886 करोड़। तो देखिए, यहां पे 2.5 गुना बैंक का प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो बैंक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर बात करेंगे तो बैंक का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नजर नहीं आता है। लेकिन देखिए दोस्तों, हमको ये मानना पड़ेगा जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक ये जो बैंक ने जो रिजल्ट दिए हैं मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट यहाँ पर मुझे इनके नजर आते हैं। अब उसके बाद एट दी एंड अगर हम NPS की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, जो बैंक के ग्रॉस NPS हैं वो है 4.96%, क्योंकि उनके परफॉर्मा NPS थे वो थे 5.42%। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4.96% के बैंक के ग्रॉस NPS हैं और जो नेट NPS हैं वो है 1.14%, जबकि जो परफॉर्मा NPS है वो है 1.26%। देखिए, यहाँ पर जो NPS है वो 1% से ज़्यादा हो गए। देखिए, जो ग्रॉस NPS है मतलब बैंक ने अगर लोन दिए 100 लोगों को तो उसमें जो 4.96 में वो बैंक के बैड लोन्स हो गए। फिर उसके बाद में जो बैंक के पास प्रोविजन पड़ा होता है तो हम प्रोविजन को उसके अंदर से माइनस कर देते हैं, फिर नेट NPS निकल कर आता है। तो नेट NPS अगर हम देखेंगे तो वो 1.14% है। तो देखिए, ये थोड़ा सा ICICI बैंक के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि ICICI बैंक के बहुत लंबे समय से NPS 1% से कम थे, मतलब पूरे 3 क्वार्टर्स तक। तो देखा जाए तो वापिस से वो सिचुएशन यहाँ पे अराइज होती हुई नजर आ रही है, और 1% से ज्यादा NPA यहां पर अगर प्राइवेट बैंक के होते हुए नजर आ रहे हैं तो हो सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक में हमको हाई एकदम हाई लेवल के NPA देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ICICI बैंक की, तो इंडस्ट्री का PE अगर आप देखोगे तो 32.87 है, जबकि ये आपको उसके एक सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की भी बात करें तो 2.78 का प्राइस टू बुक रेशियो निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ भी कॉस्टली नजर नहीं आता है, और ICICI बैंक अब लगातार कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। अब इसके बाद अगर पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस भी देखें तो पिछले 4 साल से लगातार रेवेन्यू ग्रोथ नजर आया है, और इस बार भी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है। और इसके बाद अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इस बार कंपनी ने आउट ऑफ कंट्रोल अपना प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया है। इस बार टोटल अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो ईयरली बेसिस पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ICICI बैंक की डबल हो गई है। मतलब अराउंड ये देखिए, पिछले साल उन्होंने 9000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और इस बार इनकी प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 20,000 करोड़ के लगभग हो गई है। तो देखा जाए इस बार ICICI बैंक ने एकदम अच्छा परफॉर्मेंस बताया है।
अब इसके बाद अगर हम इसके शेयर की बात करें तो देखिए 569 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है, अपने हाई से 110 रुपए डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब 17 से लगभग 17% के करेक्शन पे ये शेयर भी आपको मिल रहा है। तो जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छी खासी ग्रोथ नजर आती है। और जो लोग इसमें पहले से इन्वेस्टेड है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टेड रहिए, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। और हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए भी रिजल्ट के बेसिस पर कोई इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।